आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नमस्कार, मैं हूं दर्शना काला, स्वागत करती हूं आप सभी का ग्लोबल इंडिया टीवी में। आइए रुकते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। महू में युवक की मेमदी तालाब में डूबने से मौत, 30 घंटे बाद भी नहीं मिला युवक का शव। गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए बाइक चोरी करने वाले दो युवकों को MHB पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी के 3 और बाइक और भी बरामद की है। देवास रोड सर्किट हाउस मेन रोड के पास से निकला हुआ VIP रोड करीबन 3 महीने से खुदा हुआ है। आसपास की जनता है परेशान। मेन रोड खुदा होने से रास्ता इतना सकरा हो चुका है कि आए दिन होती है दुर्घटनाएं। गया में बदमाशों के हौसले बुलंद, ATM उखाड़ कर ले भागे नकाबपोश अपराधी। ATM में करीब 15.79 लाख रुपए थे, पुलिस कर रही है मामले में जांच। टीकमगढ़ में बिजली तार से करंट लगने से 2 मवेशियों की मौत, बिजली विभाग कर्मचारियों की बताई लापरवाही, प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। मनावर राजपूत समाज ने भारत माँ के वीर सपूत महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के अवसर पर सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया, राजपूत समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया। झाबुआ पंचायती चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो चुकी है। इसी के चलते नगरीय क्षेत्रों में भी आंशिक आचार संहिता लागू है। पुलिस ने एक व्यक्ति के कब्जे से अवैध शराब जब्त की। दमोह में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के संबंध में विचार विमर्श को लेकर कलेक्टर सभागार में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। खरगोन में सरकार की योजना में बच्चों के शारीरिक विकास और खेलों उड़ी उड़ान रखने वाले बच्चों में रुचि लेने के लिए खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से गोगावा विकासखंड के गोगावा कन्याशाला परिसर में मैदान में ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजित किया। सिवनी जिले में लखना दोन तहसील के आदि गांव थाना क्षेत्र की है, जहां 5 दिनों से पहले शादी समारोह के दौरान अवैध पिस्टल से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले में जुट चुकी है। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे ग्लोबल इंडिया टीवी के साथ। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी।